हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारा भारत चैनल पर एक और फेस्ट वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे आइसर 333 और पावर ट्रैक 439 के बारे में। इन दोनों ट्रैक्टर का कंपैरिजन करेंगे, प्राइस, इसमें क्या क्या है, कितने सिलेंडर हैं, कितने हॉर्स पावर हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले इनके सिलेंडर के बारे में। तो आइसर 333 तीन सिलेंडर में है और पावर ट्रैक 439 भी तीन सिलेंडर में है। अगर हॉर्स पावर की बात करूं तो आइसर 35 हॉर्स पावर में है, जो बेसिक मॉडल आता है। अगर ज्यादा भी आता है तो वो अलग से आपको पैसे ज्यादा देकर मिल जाएगा। और पावर ट्रैक भी 39 हॉर्स पावर में है, आइसर 35 हॉर्स पावर में और पावर ट्रैक 439 हॉर्स पावर में है। कैपेसिटी की बात करूं तो आइसर 333 की कैपेसिटी है 2365 और पावर ट्रैक की है 2200। आइसर का इंजन रेटेड आरपीएम 2000 है जबकि पावर ट्रैक का 1800 है। कूलिंग की बात करूं तो वाटर कूल्ड है आइसर और वाटर कूल्ड ही है पावर ट्रैक। एयर फिल्टर की बात करूं तो ऑयल बार टाइप दिया गया है आइसर 333 में और सेम ही पावर ट्रैक में दिया गया है। क्लच की बात करूं तो आइसर सिंगल और डुअल दोनों क्लच में आता है, और जबकि पावर ट्रैक भी सिंगल और डुअल दोनों में आता है, ऑप्शनल है दोनों के लिए। गियर बॉक्स की बात करूं तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के आइसर में है और 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के ही पावर ट्रैक में है। बैटरी की बात करूं तो 12 वोल्ट की 75 AH की आइसर की है और सेम ही पावर ट्रैक की है। अल्टरनेटर 12 वोल्ट 36 एम्पियर का आइसर में है, इसमें अल्टरनेटर 2 वोल्ट 35 एम्पियर का है। आइसर में फॉरवर्ड की स्पीड है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की, पावर ट्रैक में है फॉरवर्ड की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि यहां भी पावर ट्रैक ही मार रहा है टक्कर। ब्रेक की बात करूं तो आइसर ड्राई डिस्क ब्रेक में आता है, ऑल इमर्स ब्रेक अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑप्शनल है, वो आपको पैसे देने पड़ेंगे थोड़े ज्यादा तो मिल जाएगा। पावर ट्रैक में मल्टी प्लेट ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक आएगा और मल्टी प्लेट ड्राई डिस्क ब्रेक दोनों हैं, इसमें भी कोई सा भी ले सकते हैं। अब स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं तो आइसर में मैनुअल दिया हुआ है और पावर ट्रैक में भी मैनुअल और पावर दोनों दिए गए हैं। पीटीओ की बात कर लेते हैं तो आइसर में लाइव पीटीओ है और पावर ट्रैक में मल्टी स्पीड पीटीओ है। आरपीएम 540 है आइसर के और पावर ट्रैक के 540 से 1000 तक है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आइसर 333 की है 45 लीटर की, जबकि पावर ट्रैक की है 50 लीटर की। आइसर 333 का टोटल वेट 1990 किलोग्राम और पावर ट्रैक का 1805 किलोग्राम। अब चलते हैं लिफ्ट की कैपेसिटी पे। लिफ्ट की कैपेसिटी है आइसर की 1200 किलोग्राम की, जबकि पावर ट्रैक की है 1500 किलोग्राम की। थ्री पॉइंट लिंकेज की बात करूं तो आइसर ड्राफ्ट पोजीशन और रेस्पॉन्स कंट्रोल लिंक्स के साथ दिया गया है, जबकि पावर ट्रैक में जो ADDC नई टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ 1500 किलोग्राम एट लोअर लिंक्स ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब सीधी पोजीशन में 1500 किलोग्राम पे। व्हील की बात करूं तो आइसर के 2 व्हील ड्राइव करते हैं और सेम ही इसके करते हैं, 2x2 के हैं ये ट्रैक्टर। फ्रंट के टायरों की बात करूं आइसर के 6x16 के, रियर के 12.4x28 और 13.6x28 के ऑप्शनल है, वो भी ले सकते हैं, और पावर ट्रैक में भी 6x16 और 13.6x28 के हैं। अब एसेसरीज क्या आएंगी, आइसर में आएगी टूल, टूल्स का बॉक्स, टॉप लिंक्स इसमें आएगा पावर ट्रैक में, बम्पर आएगा, टूल्स आएगी, बालास्ट वेट आएगा, टोपलिंग, कैनोपी और ड्रोबार। वारंटी 2 साल की है आइसर की और सेम ही पावर ट्रैक की है 2 साल की, 2000 घंटे सेम दिए हुए हैं। अगर आप 2000 घंटे या फिर 2 साल में इसको सर्विस पे ले जाएंगे तो फ्री होगी, वही वारंटी होती है, यानी कुछ पार्ट्स अगर खराब होता है तो वो चेंज कर दिया जाता है। गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जाना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।